हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत प्रसन्न होंगे और घर में बड़ों का आदर भी करते होंगे। तो स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी कक्षा में, जिसकी पाठ्य पुस्तक का नाम है तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाई अमित पब्लिकेशंस। तो बच्चों आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 11, जिसका शीर्षक है भागे गिरते पड़ते। बच्चों ये एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रोचक कविता है। चित्र पर आधारित गतिविधि, खेल चाहे कोई भी हो, उसे सूझबूझ, सावधानी और सुरक्षा के साथ खेला जाना चाहिए। इसलिए खेल के सामान के साथ साथ सुरक्षा के सामान भी बनाए जाते हैं। नीचे क्रिकेट के खेल में सुरक्षा और खेल के सामान दिए गए हैं। इनके नाम सही जगह पर लिखने हैं, जैसे कि गेंद है, गिल्ली है, लेग पेड, बैटिंग, ग्लव्स, कीपिंग। तो खेल का सामान कौन कौन है, खेल का सामान है गिल्ली, गेंद, गिल्ली और क्या है बल्ला। ये सारे क्या है, ये हैं खेल के सामान। और सुरक्षा के सामान बैटिंग ग्लव्स, स्टम्प्स, कीपिंग ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, ये सारे क्या होते हैं, ये सब होते हैं सुरक्षा के सामान, जिससे हम खेले भी और सुरक्षित भी रहें। खेल के साथ साथ सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो भारत ने क्रिकेट में बहुत नाम कमाया है। यह खेल देश में एक महत्वपूर्ण मनोरंजन का साधन है और लोगों के दिलों में गहरा प्रेम पाता है। इसे लोग अपने देश और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतीक भी मानते हैं। इस खेल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। आइए शुरू करते हैं। चूहे जी को क्रिकेट टीम का बनना था कप्तान, बढ़ा रहे थे पुस्तक पर बल्लेबाजी का ज्ञान। ये देखो बल्लेबाजी कर रहे हैं, देख देख कर टीवी कर ली बॉलिंग की पहचान, ऑलराउंडर बन जाने का उनको हुआ गुमान। गुमान मतलब बहुत घमंड हो गया उनको। हेलमेट सिर पर और पहनकर हाथों में दस्ताने, हाथ पैर में पैड, क्रीज पर बल्ला लगे घुमाने, बॉलिंग करने आया जब दौड़ा दौड़ा कौन, खरगोश। एक भी गेंद न खेल पाए हुआ उन्हें अफसोस, जैसे तैसे भाग्य भरोसे उनका बचा विकेट, लगे सोचने और सीखना होगा मुझे क्रिकेट। अपनी तैयारी पर थे अब चूहे जी हैरान, काम नहीं आता खेलों में सिर्फ किताबी ज्ञान। खाली किताबी ज्ञान ही नहीं, किताबों से पढ़कर ही ज्ञान नहीं ले सकते खेल में, इसके लिए तो इन्हें और सीखना होगा और खेलना होगा, तभी प्रैक्टिस होगी। देखा अगला ओवर जब बिल्ली मौसी को करते, छोड़ छाड़ कर अपना बल्ला भागे गिरते पड़ते। जैसे उन्होंने देखा अरे बिल्ली मौसी आ गई, तो भैया उन्होंने तो क्रिकेट विकेट सब फेंका और भागे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। बिल्ली मौसी को देखती बैट अलग, कैप अलग, ये सब करके और क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। बिल्ली को देखकर डर के मारे भागे। तो देखा आपने कितनी अच्छी कविता थी, कितनी मनोरंजक। और अब चल रहे हैं हम कठिन शब्द पर, क्रिकेट, क्रीज, टीम, अफसोस, कप्तान, भाग्य, बॉलिंग, हैरान, गुमान, ज्ञान, पैड और ओवर। और अब है शब्दार्थ। टीम का अर्थ है दल, ऑलराउंडर का अर्थ है सब कामों में कुशल, गुमान यानी कि घमंड, अफसोस अर्थ है दुख, दस्ताने का अर्थ है हाथों में पहनने वाला एक वस्त्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, दस्ताने, हैरान का अर्थ है अचरज और ज्ञान का अर्थ है जानकारी। और अब हमसे पूछा गया है चूहे जी ने कप्तान बनने के लिए किस प्रकार की तैयारी की थी। चूहे जी ने क्या किया था, किताबें पढ़ी थी, टीवी देखा था, ऐसी तैयारी की थी। चूहे जी को कप्तान बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए था, चूहे जी को तो कप्तान बनने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, खेल की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी और बहुत सारी खेल खेल के प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। एक अच्छे खिलाड़ी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, बच्चों एक अच्छे खिलाड़ी में सबसे पहले विनम्रता होनी चाहिए और उसके अलावा खेल से रिलेटेड उन्हें बहुत अच्छा धावक यानी कि उन्हें बहुत तेज भागना आना चाहिए और उनको खेल के सारे नियम जानने चाहिए और बहुत सारा उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक अच्छे खिलाड़ी की
ये पहचान है। अब सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है, हमें सही सही का निशान लगाना है। सबसे पहले है, क्रिकेट टीम का कप्तान कौन बनना चाहता था? बंदर, चूहा, बिल्ली या खरगोश? क्रिकेट टीम का कप्तान चूहा बनना चाहता था। चूहे जिन्हें बल्लेबाजी कैसे सीखी? टीवी देखकर, किताब पढ़कर, बातचीत कर या खेलकर? चूहे जिन्हें बल्लेबाजी सीखी टीवी देखकर और किताबें पढ़कर। पहले ओवर की गेंद किसने फेंकी? पहले ओवर की गेंद खरगोश ने फेंकी। किसे बॉलिंग करते देख चूहे जी भाग गए? बिल्ली को, बंदर को, खरगोश को या कुत्ते को? चूहे जी जो भागे थे बिल्ली को बॉलिंग करते देख चूहे जी सरपट भाग गए थे। और अब है सही मिलान करना, हमें सही मैचिंग करना है। चूहे को क्या हुआ? चूहे को बनना था, क्या बनना था? कप्तान। बॉलिंग कौन कर रहा था? बॉलिंग कर रहे थे खरगोश। हेलमेट सिर पर और बिल्ली मौसी का क्या था? बिल्ली मौसी का अगला ओवर था जिसे देखे चूहा भागा था, और ऑलराउंडर बनने का गुमान, ये हमने मैचिंग कर दी। और अब क्या है? निम्नलिखित वाक्यों के लिए कविता की पंक्तियां चुनकर लिखो। जैसे टेलीविजन देख देखकर चूहे जी ने गेंदबाजी की पहचान सीखी, तो इसमें कैसे लिखेंगे? जो कविता की पंक्ति है वो है, देख देख कर टीवी कर ली बॉलिंग की पहचान। इस लाइन की जो है, इस लाइन को कविता में ऐसे लिखा गया है, देख देख कर टीवी कर ली बॉलिंग की पहचान। दूसरा है, अपनी तैयारी पर चूहे जी को हैरान अचरज हुआ, तो अपनी तैयारी पर थे चूहे जी हैरान। जो कविता में पंक्ति है ये लिखा है, अपनी तैयारी पर चूहे जी को अचरज हुआ, और कविता की पंक्ति है, अपनी तैयारी पर थे चूहे जी हैरान। और तीसरा है, खेल केवल किताब पढ़कर नहीं सीखा जाता, तो बच्चों ये कौन लिख करेगा? ये आप कविता की पंक्ति पढ़कर उसमें से छांट कर फिर यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहले, चूहे जी को किस बात का गुमान होने लगा था? चूहे जी को घमंड होने लगा था, गुमान होने लगा था कि मैं तो ऑलराउंडर बनने वाला हूँ, मैं तो क्रिकेट का ऑलराउंडर, तो उन्हें ये गुमान हुआ। चूहे जी को अफसोस क्यों हुआ? चूहे जी को अफसोस हुआ कि वो तो खेल ही नहीं पा रहे थे, उन्होंने किताब पढ़ ली थी, टीवी देख लिया था, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, तो उन्हें इस चीज़ का अफसोस हो, तो हैरान हो गए, उन्हें इस चीज़ का अफसोस हुआ। चूहे जी का विकेट किसके भरोसे बचा? चूहे जी का विकेट भाग्य के भरोसे बचा। चूहे जी का विकेट भाग्य जी के भरोसे बचा, भाग्य के भरोसे। और चूहा जी बल्ला छोड़कर क्यों भागे? चूहे जी ने जैसे देखा कि बिल्ली मौसी आ रही है, तो चूहे जी बल्ला छोड़कर भाग गए। तो ये थी हमारी आज की कविता, इसके साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक आभार।